class 5. So this is your Conquer English course book 5. From this book we are going to do a new chapter today. Okay, first of all we will come to know that which chapters we have done. So you can see over here the contents. The color one, the orange one, chapter 9, 10, 11, 12 we have already completed. So we will come to today's chapter 14. Okay, chapter 9 is your elephant's child. Chapter 10 is the dentist and the crocodile. Chapter 11, down the rabbit hole part 1 and down the rabbit hole part 2. Today we will do chapter 14, Robin Hood and the Silver Arrow. So we will come to do today this chapter 14. Come to page 144. Now here is our chapter, the Robin Hood and the Silver Arrow. Okay, so we will read today this chapter and we will follow this book in this chapter in your book. Chapter 14, page number is 144. So we'll start this chapter. Robin Hood was the son of nobleman. So Robin Hood jo hai hai ek nobleman ka beta hai, Earl and Huntingbourne. So Robin Hood was tall, strong and handsome. He was full of fun and filled his father's home with fun and laughter and music. तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही सुंदर है देखने में, और वो क्या करता है अपने फादर को जो है घर पे रखता है वो, और हैप्पी रखता है कि उसे किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो. रॉबिन वॉज ऑल्सो अ ब्रेव एंड फियरलेस आर्चर. तो रॉबिन जो है वो बहुत ही ब्रेव है, और आर्चर मतलब वो तीर चलाने वाला बहुत ही अच्छा है. ठीक है, फेयरलेस है वो. फेयरलेस मतलब वो डरता नहीं है. नो वन कुड शूट एन एरो एज वेल एज रॉबिन. कोई भी रॉबिन के जैसा वो एरो चला नहीं सकता. दो ही वॉज द सन ऑफ रिच मैन. वो फिर एक रिच मैन का बेटा था, फिर भी रॉबिन वॉज नॉट प्राउड. एक रिच मैन का बेटा होते हुए भी जो रॉबिन जो है वो प्राउड नहीं खाता था अपने आप पे. He was a kind, gentle. वो बहुत ही gentle person था. He never hurt the worker, nor did he look down on poor people. तो वो कभी लोगों को hurt नहीं करता था, और ना ही poor people को मतलब चिढ़ाता था उस तरीके से. Everyone loved him. सारे जो लोग थे वो रॉबिन हुड से बहुत ही प्यार करते थे. But Robin's father had an enemy. Who come with an army of soldier. लेकिन रॉबिन के फादर जो है उनके पास बहुत ही दुश्मन थे, और वो जो है अपने आर्मी के साथ उनके यहाँ आता है. He was determined to work away all the Robins earlier of hunting to had. तो वो determined मतलब होता है made a form of decision. तो वो एक decision कर लिए थे कि वो जो रॉबिन और मतलब जो एरो चलाते वो सब उनके साथ ही वहाँ रहे. देयर वॉज मतलब उनको उनमें मिल जाए, लेकिन वो नहीं मानते थे. देयर वॉज अ प्रीवियस ऑफ टेरिबल बैटल. और उन लोगों में क्या होता है कि बहुत ही झगड़ा होता है, एट द एंड ऑफ विच रॉबर्ट एंड हिज मैन वेयर किल्ड. तो रॉबर्ट और जो है और जो मैन जो है उन लोग में हाथापाई होता है, झगड़ा बहुत होता है, मारपीट भी होता है, और उससे क्या होता है वो लोग मर जाते हैं. हिज होम वॉज बर्न. उसका जो होम जो है, जो रॉबिन का होम जो है वो क्या होता है, उसको जला दिया जाता है. बर्न एंड ऑल हिज मनी. और उसका सारा मनी को वो लोग चुरा लेते हैं. देन ओनली वन हु देयर कुड नॉट किल वॉज अ रॉबिन बिकॉज ही वॉज सच अ गुड आर्चर. वो जो है एक आदमी जिसमें एक ही जन बचा था, वो कौन था, वो था रॉबिन. और पूरा फैमिली उसका खत्म हो चुका था, वो अकेला उस फैमिली में बचा हुआ था, और वो एक अच्छा आर्चर था. रॉबिन टुक हिज बो एंड एरो एंड फेल टू हु सेयरवुड फॉरेस्ट. तो वो जो है अपना
जो तीर और को एन एरो लेता है और एक कॉर्स में चला आता है. ही ले डाउन एंड एंड रोस हिज फेस इन द सॉफ्ट ग्रास ग्रास ग्रीन ग्रास. तो वो लेट जाता है उस जमीन पे और जो सॉफ्ट ग्रासेस रहते हैं उस पर अपना फेस को रब करता है ताकि उसका फेस थोड़ा धुल जाए. ही वॉज वरी एंड ब्रिल. तो वो जो है वो टायर्ड था और इंजर्ड था. वो टायर्ड था इसलिए कि वो उसका फादर का डेथ हो चुका और उसमें मतलब झगड़ा जो हो रहा था जिस तरीके से उसमें वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और उसे चोट भी लगा हुआ था. बट वॉज एंग्री अबाउट वॉट हैड हैपेंड. और इसका तो गुस्सा भी था कि जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है. एंड सैड अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर. और सैड था कि उसके फादर अब नहीं रहे. ही लव द फॉरेस्ट एंड डिसाइडेड टू मेक इट दिस होम. वो फॉरेस्ट को बहुत ही मतलब वो वहाँ रहना पसंद करने लगा कि वो अब जंगल में ही रहेगा तो वो अपना घर वहीं बसा लिया. ही स्टूड अप एंड मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है. और क्या प्रॉमिस कर रहा है? आई स्वेयर टू ऑनर गॉड एंड द किंग टू हेल्प द वीक एंड द फाइट द स्ट्रॉन्ग टू टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव टू द पुअर. So God will help me with His power. तो ये जो है वो रॉबिन का मैटर था. वो क्या था कि वो प्रॉमिस करता है गॉड से और किंग से कि जितना भी अगर वो किसी से अगर लेता है ठीक है वो गरीबों का मदद करेगा मतलब वीक का मदद करेगा और हाँ और स्ट्रॉन्ग से फाइट करेगा. रिच से जो है वो पैसा जितना लेगा वो क्या करेगा वो पुअर में बांट देगा. तो ये जो है वो उसका वो चाह रहा था कि ये अपना प्रॉमिस और ये ऐसे ही करे बाकी लोगों का वो मदद करे और इस चीज में जो गॉड है उसकी मदद करे और अपना पावर अपना ब्लेस उससे बनाए रखे. ये उससे अपने आप से वो प्रॉमिस करता है. रॉबिन इन ग्रेटर मैन गैदर मैन हु वेयर लाइक हिम. तो रॉबिन जो है वो कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो उन्हें पसंद करता था. दे वेयर ग्रीन स्किन क्लोथ्स एंड हाइड इन द ट्री. वो लोग जो है ग्रीन क्लोथ्स पहनते थे और ट्री कैन में हाइड जाता था कि वो दिखे ना कहीं कहाँ है वो लोग वो दिखे ना इसलिए वो ट्री में हाइड हो जा सकते थे. दे वेयर नोन एज अ रॉबिन हुड एंड हिज मैरी मैन. वो लोग जो है उन जो मिलकर इकट्ठा एक ग्रुप जो बनाए थे उनका नाम एक दे दिया गया था. उनका नाम था रॉबिन हुड एंड द मैरी मैन. मैरी मैन जो उनके साथ इकट्ठे होकर उनका मदद कर रहा था वो लोग हैं. दे रॉब फ्रॉम रिच एंड हैड बैड पीपल हु ट्रेवल्ड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रैब द पुअर एंड गिव द पुअर. वो क्या करते थे कि वो जो भी उस रास्ते से गुजरता था जितना भी अमीर लोग उससे क्या करते थे उससे वो पैसा चोरी कर लेते थे और छीन लेते थे. छीन कर क्या करते थे कि वो पुअर पीपल्स को जाकर वो दे देते थे. मेनी टाइम्स Since this trip and Nottingham Street to catch Robin Hood. तो वो जो है Nottingham जो है एक पुलिस टाइप का है और वो जो है वो रॉबिन हुड को पकड़ना चाह रहा था. एज दे कम टू नो इसके बारे में जब पता चला इस चोरी के बारे में जब पता चला तो वो क्या चाह रहा था कि मैं उस रॉबिन हुड को पकड़ूँ. ईच टाइम ही फेल. और जब भी वो चाहता था वो क्या हो जाता था वो फेल हो जाता उसका वो नहीं पकड़ पाता था. एंड बिकम मोर एंड मोर एंग्री. जब वो पकड़ नहीं पाता था उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा होता था. देन वन डे ही सेड. तब वो क्या करता है एक टाइम होता है वो क्या बोल रहा है आई शैल गो टू द किंग एंड आस्क हिम टू गिव मी मेनी सोल्जर्स. वो बोल रहे थे क्या वो जो है सिस्टर वो बोल रहे हैं कि वो किंग के पास जाए और उनसे सोल्जर्स के लिए पूछे हेल्प मांगे कि उनको और सोल्जर्स दे ताकि उस रॉबिन हुड को पकड़ पाए. दे विल हेल्प मी टू फाइट रॉबिन एंड हिज मैन. वी शैल किल ऑल ऑफ देम. तो वो जो चाह रहे थे कि वो जो किंग है वो उस पुलिस का मदद करे और उससे वो क्या कर सकता है कि वो किंग रॉबिन को और उसके जो मैन जो है जो उनके साथ जो है मैरी मैन उनको मार दे. लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखते हैं. ही टोल्ड द किंग अबाउट व्हाट रॉबिन एंड हिज मैन वेयर डूइंग. वो इस चीज के बारे में बताता है किंग को कि वो रॉबिन और उसके जो लोग जो है वो
पूरा तहलका मचा कर रखा हुआ है, क्योंकि आते जाते लोग से चोरियां करता है, किसी को मारता है। और तो ये चीज है जो चोरी, मेन चीज तो है कि वो चोरी कर रहा है, तो चोरी किसके लिए कर रहा है? वो अमीर से लेकर वो गरीब को दे दिया जा रहा है। तो ये चीज तो वो नहीं देख रहा कि गरीब को बांट रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि वो चोरी कर रहा है और बस कुछ नहीं। तो ये चीज वो बता रहा है किंग को कि वो जो है रॉबिन हुड और उसके जो लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं। द किंग सेड यू आर द सिर्फ ऑफ नॉटिंगटम। नॉटिंगटम वहाँ पर जगह है, ठीक है, और वो जो है वहाँ का पुलिस है। तो क्या है कि दिस इज योर जॉब, ये तुम्हारा काम है। आई शैल नॉट हेल्प, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पुलिस हो, तुम्हारा देख तुम जो है सबको हेल्प करोगे, तुम पकड़ोगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकते यहाँ। इफ यू कांट मेंटेन इन लॉ एंड ऑर्डर, अगर तुम लॉ और ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते हो, आई शैल रिमूव यू, और मैं तुम्हें तो यहाँ से, इस जगह से, मतलब तुम जिस पोस्ट पे हो वहाँ से हटा दो। रिमूव यू एंड मेक समवन एल्स अ स्क्रिप्ट इन दिस प्लेस, तो मैं किसी और को इस जगह पे बना लूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ पे स्टॉप कर दे रही हूँ इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में से हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो ओके, सो फॉर द टाइमिंग थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।